बहुत बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में बम की सूचना के बाद मॉल को खाली कराया गया। मौके पर बम रोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। एम्बियंस मॉल में बम की सूचना के बाद से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, ये दिन का दूसरा मामला है। इससे पहले नोएडा के डीएलएफ मॉल में भी इसी तरह की सूचना सामने आई थी। हालांकि मॉल को चेकिंग के बाद अब वापस खोल दिया गया है, कोई बम वहां से नहीं मिला है। और दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम से आ रही। यहां का एम्बियंस मॉल जो एक बड़ा मॉल माना जाता है, यहां पर भी बम की खबर है। शंकर आनंद से अपडेट लेते हैं। शंकर, कुछ समय पहले इसी तरह आप पैटर्न उठाकर देखिए, अलग अलग स्कूलों में खबर आई थी कि यहां बम हो सकता है। आज क्या मॉलों का दिन है? इससे पहले नोएडा का डीएलएफ मॉल और अब गुरुग्राम का एम्बियंस मॉल। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से अगर बात करें गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल, जो एम्बियंस मॉल की अगर बात करें, इसे बहुत ही पॉश माना जाता है, बहुत इलाके में है स्थित है, और यहाँ पर हजारों के तादाद में रोजाना लोग यहाँ आते हैं। और जिस तरह से उस मॉल में जानकारी मिली है, उसके बाद दिल्ली स्थित लोकेशन की जानकारी मिली है, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के अंदर भी कई जो मॉल है उसकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और अभी ठीक अभी 15 अगस्त का जो त्योहार है वो बीता है, तो 15 अगस्त के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था तो कड़ी होती है, लेकिन अब जिस तरह से ये संदिग्ध तौर पर संदिग्ध सामान होने की जानकारी मिली, इस बात को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और इन तमाम मामलों पर पड़ताल शुरू हो गई है। लेकिन पिछले कुछ समय की अगर बात करें, जिस तरह से आपने एकदम सटीक सवाल उठाया कि जिस तरह से स्कूलों में कई ऐसे बम संदिग्ध पदार्थ होने की जो कॉल लगातार आ रहे थे, उसके बाद जिस तरह से मॉल का एक जो सिस्टम वो स्टार्ट हुआ है, तो एक तरह से कह सकते हैं ये पैटर्न को भी अब समझा जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है कि ये पैटर्न क्या है। पहले स्कूलों में, फिर उसके बाद अस्पतालों में, उसके बाद मॉल में संदिग्ध बम होने की जो जानकारी मिल रही है, PCR कॉल हो रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया गया है, तो क्या वाकई में ये कोई पैटर्न है या आतंकी की बात करें या कुछ संदिग्ध लोगों की बात करें, उसके पैटर्न बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी पता लगाए जाने की जरूरत है कि क्या ये शरारती तत्व किस मंशा के साथ इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। पहले भी वो होक्स कॉल साबित हुई, नोएडा के मॉल वाली होक्स कॉल साबित हुई, लेकिन एम्बियंस मॉल को फिलहाल खंगाला जा रहा है, इसको भी खाली कराया जा रहा है। आप नजर बनाकर रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, अंबेडकर नगर के कटहरी में सीएम योगी ने रोजगार मेला और ऋण मेले का उद्घाटन किया। युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, 5,100 मेधावी छात्र छात्राओं को टैब्स दिए और साथ ही स्वरोजगार के लिए 211 करोड़ का लोन वितरण किया। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी को लेकर धारणा बदली है, आज यूपी के बाहर लोग आपको सम्मान की निगाह से देखते हैं। माफिया भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गई है, अंबेडकर नगर में नए उद्योग आ रहे हैं। जिस प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी होती थी, अव्यवस्था फैलती थी, माफिया हावी थे, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आज वही उत्तर प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है, कानून व्यवस्था का मॉडल बनाने में सफल हुआ है, सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाला राज्य के रूप में आया है, सर्वाधिक रोजगार सृजन वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं अपने युवाओं को कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहन और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे।